नाबालिग बेटी से छेड़खानी करने से रोकने पर तिलमिला युवक ने एक व्यक्ति को दिन दहाड़े सड़क पर मौत के घाट उतार दिया। ये वारदात रविवार की सुबह गिट्टी खदान के क्राइम ब्रांच कार्यालय के पास हुई। गिट्टी खदान थाने, क्राइम ब्रांच तथा पुलिस मुख्यालय के सामने इस तरह की वारदात होने से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। काटोल मार्ग के क्राइम ब्रांच कार्यालय तथा पुलिस मुख्यालय के बीच मार्ग पर बलराम ने द्विवेदी को रोका। वह द्विवेदी से विवाद करने लगा। द्विवेदी कुछ समझ पाते इसके पहले ही बलराम ने धारदार हथियार से उन्हें गोद डाला। उनकी हत्या कर बलराम फरार हो गया। द्विवेदी को अस्पताल पहुंचाने पर मृत घोषित कर दिया गया। वारदात का पता चलने पर गिट्टी खदान पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने खोजबीन आरंभ कर बलराम को गिरफ्तार कर लिया है। द्विवेदी की हत्या से परिवार में तीव्र रोष है। द्विवेदी के परिवार में पत्नी तथा दो बेटे हैं। द्विवेदी ही एकमात्र कमाने वाले थे। नमस्कार, भारतीय न्यूज में आपका सभी का स्वागत है। आज अभी सुबेरे 10 बजे गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन थाना अंतर्गत एक मर्डर हुआ है जिसका नाम है नारायण द्विवेदी। उनके परिजनों से हम बात करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है विकास तिवारी। क्या घटना हुई, इसके बारे में आपको कैसे जानकारी मिली, मुझे बताइए। घटना की जानकारी ये मिली कि हमने खुद ही मेरे मामा के फोन पे फोन किया तो पुलिस स्टेशन से उठाया। उन्होंने बताया कि आप आ जाइए यहाँ पे, उनका ऐसा ऐसा हो गया है। तो हम आए हैं यहाँ पर पुलिस स्टेशन में। क्या घटना है, किसके ऊपर संदेह है, ऐसी कोई जानकारी? संदेह का अब ये किसने किया है एग्जैक्ट मुझे ये तो नहीं पता है, लेकिन वो सवेरे 8:30 बजे ड्यूटी के लिए निकले थे। ऐसा पता चला कि गिट्टी खदान में उन्होंने पेट्रोल वगैरह डालने के लिए आए थे और इधर ही से ड्यूटी जा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे बीच में ये हो गया, तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता, लेकिन संदेह की बात यह है कि जहाँ वो पहले किराए से रहते थे मनोज पांडे के यहाँ, तो उसका जो छोटा लड़का है बलराम पांडे, तो मुझे उसके और उसकी गैंग पे ही संदेह है, क्योंकि उसके साथ के जो लड़के हैं वो और वो मिल के मतलब लड़कियों को परेशान करना और चिड़ी मारी करना, गाड़ी लेके पीछे जाना, ये सारी चीज़ें हो रही थी। इन चीज़ों को हम लोगों ने सामने मिल के समझाया, नहीं मानने पर हमने रूम खाली कर दिया। तो मुझे लगता है कि रूम खाली करने के बाद शायद हमने दूरी बना ली उनसे, तो हो सकता है उस चीज़ की खुन्नस वो यहाँ पे निकाल रहे हों। मुझे ये तो पूरा संदेह है कि है इसमें से ही किसी का, और सुरेंद्रगढ़ का ही कोई बंदा है जिन्होंने ऐसा किया है। हो सकता है कि वो हो या उसकी गैंग हो, वो ना कराना चाहता हो तो उसकी गैंग हो। लेकिन और ऐसे बहुत सारे नाम भी हैं मेरे के जो मैं अभी FIR में लिखवा चुका हूँ, वो नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ। मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि न्यूज़ के माध्यम से, पुलिस स्टेशन पुलिस वालों के माध्यम से उन आरोपियों को पकड़ा जाए और उनकी ऐसी सज़ा दी जाए, बस मैं ये चाहता हूँ। मैं सुरेंद्रगढ़ बस्ती में मेरा मकान है, मैं गंगा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी प्लाट नंबर 22 में रहता हूँ। मेरे बाजू में इनका मकान है। ये साल भर से दारू का अवैध धंधा करते थे। उसके घर में कोई गलत अवैध किए, वो 3 दिन पहले अपना घर खाली करके चला गया। ये रंजिश के बदौलत उसको उसने आज आप माने मर्डर कर दिया। वो मर्डर का भरपाई, ये दुखित इतनी घटना है कि उसका भरपाई दो बच्चे, एक बच्ची एक बच्चा है, कौन करेगा, निहत्था है। इसलिए उसका ये मकान बेच करके उसके नाम पे उसकी प्रॉपर्टी दी जाए, मेरी हम लोगों की मांग है।